आज का जो वीडियो है उसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं आज आपको एक एग्जैक्ट रूटीन देने जा रही हूँ क्योंकि आप हेलो मैम, इट रियली वर्क्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू डिवाइन। कल रात को ही मैंने इसको ट्राई करा, 1.5 साल से मेरा एक पेमेंट अटका हुआ था जो फाइनली आज इवनिंग में मैसेज आ गया, इट इज क्रेडिटेड। और मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। सक्सेस स्टोरी नंबर 2, मैम थैंक यू सो मच इतनी सिंपल टेक्निक देने के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, इतना वक्त ही नहीं मिल पाता कि मैं इतनी सारी टाइम टेकिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर पाऊँ, लेकिन मैंने ये 24 आवर्स वाली टेक्निक ट्राई करी और उसने दोनों तीनों बार काम किया। थैंक यू, ये सेकेंड स्टोरी थी। स्टोरी नंबर 3, दिस वर्क। सो आई हैड अ कॉम्पिटिशन टूडे एंड आई ऑल्सो हैड टू डिलीवर अ स्पीच फॉर द स्कूल। सो आई अफर्म्ड How you taught me. My affirmation was like, thank you so much for showing me my brilliance. And today everyone complimented me about my speech. And the one thing happened that a essay competition was arranged and I was totally not prepared. But somehow I got the first prize and my teacher complimented how brilliant I am. Thank you so much for this technique. मतलब exactly उसी word में उनको compliment मिला जो उन्होंने affirm किया था। Success story number 4, I guess. Thank you so much, ma'am. I tried this technique of yours. The most awaited call came within 24 hours, जो कि महीनों से नहीं आया था। तो मतलब इनको इनके स्पेसिफिक कॉल आ गया। सक्सेस स्टोरी नंबर 5। मैम मेरा मेरी बेस्ट फ्रेंड से झगड़ा हो गया था, हम दोनों बात ही नहीं कर रहे थे, ये अफर्म करते ही आज उसका कॉल आ गया 15 घंटों के अंदर। इट्स सो सिंपल एंड ईजी, देख रहे हो, मतलब सक्सेस स्टोरीज खत्म ही नहीं हो रही है। और अब मैं एक बताती हूँ, मुझे PCOD था, पिछले 8 सालों से दवाइयाँ चल रही थी, 6 महीने से मैंने दवाइयाँ बंद कर दी, लेकिन तब से मेरे पीरियड्स भी इरेगुलर थे। जब से मैंने आपको ये टेक्निक फॉलो करा, मेरे मेंसेस रेगुलर हो गए, मेरी बॉडी ज्यादा टोन्ड वे में काम कर रही है। मतलब एक अफर्मेशन, एक छोटी सी सिंपल टेक्निक इस लेवल का काम करती है। और बताती हूँ, मैं बहुत सरप्राइज हूँ इस टेक्निक को यूज करने के बाद, रिजल्ट मिलने के बाद। तो आई डोंट बिलीव कि एलोवेरा इतना इजीली काम करता है, लेकिन अब बिलीव होने लगा है। मेरे पापा की तबीयत खराब थी, उन्हें बहुत ज्यादा बैकएक था, कोई मेडिसिन ही काम नहीं कर रही थी। मैंने ये टेक्निक यूज करी और पापा का बैकएक जल्दी से ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक्सफुल टू यू मैम, आई ब्लेस यू ऑल, आई एम सो हैप्पी कि आपके लिए इतना इजीली काम कर रहा है। आज का जो वीडियो है उसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। मैं आज आपको एक एग्जैक्ट रूटीन देने जा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सी लैंग्वेज में काम करना है, कब काम करना है, कौन कौन सी टेक्निक एक साथ फॉलो करनी है। हर नया वीडियो देखते हो, चाहे मेरा हो या किसी और का हो, और सब कुछ एक रूटीन में फिट करने की कोशिश करते हो। जैसे मैं ऑलरेडी पहले भी 1 मिलियन टाइम्स बोल चुकी हूँ कि लाइफ बिलीफ के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे बिलीव होंगे एग्जैक्टली वैसी ही लाइफ होगी, दैट इज इट। बस बिलीफ पे काम करो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रूटीन देने वाली हूँ। अच्छा, हमने मल्टीपल डिजायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करें उस टॉपिक पर भी बात करी थी, हमने आई एम लकी जिस बिलीफ है उसमें बहुत डेप्थ पर बात करी थी, और आपने इन दोनों ही वीडियोस को बहुत पसंद करा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नंबर 3, हमने एक टेक्निक डिस्कस करी थी 24 आवर्स में सब होगा। अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखे, इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप ये तीनों वीडियोस जरूर देखेगा। अब मैं आपको एग्जैक्टली एक रूटीन प्रैक्टिकल वे में, बहुत पावरफुल रूटीन बताऊंगी कि कैसे कम समय में आपकी लाइफ में ईज के साथ ज्यादा काम हो सकता है। लेकिन उसके पहले आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर द सीक्रेट मंत्रा टू अवेकन योर इनर जीनियस। इस बुक को अमेजोन पे आप बेस्ट सेलर्स में ला दिया, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। जब आप इस बुक को पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा ये आपकी अपनी कहानी है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको ऐसे मिलेंगी जैसे किताब आपसे बात कर रही है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है चीजों से कैसे बाहर निकलना है और कैसे अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना। अभी बुक किंडल पर भी अवेलेबल है, मतलब इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, और आप में से कुछ लोग हिंदी में बुक मांग रहे हैं। आपके लिए अभी मेरे पास बुक तो नहीं है, लेकिन एक बढ़िया सा सरप्राइज है। आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिया गया एक गूगल फॉर्म फिल करना है ताकि हम वो सरप्राइज आप तक पहुंचा सकें। तो आपको सरप्राइज क्लेम करने के लिए वो गूगल फॉर्म फिल करना है। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कॉपी तो ग्रैब कर लें। वो सरप्राइज केक पर एक आइसिंग का काम करेगा। आप में से वो लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हीलर हूँ, शैडो वर्क करती हूँ। इन शॉर्ट, हम इस चैनल पे बात करते हैं कैसे आसानी से अपने माइंडसेट पे काम करके लाइफ को आसान बनाया जा सकता है। अब कमिंग बैक टू द रूटीन, अब मैं रूटीन की बात कर रही हूँ, आपको कौन सा रूटीन फॉलो करना है।
सिर्फ एक बार, हमने ऑलरेडी बात करी थी कि आपके सारे एरियाज में, मतलब आपके मैनिफेस्टेशंस क्यों जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन चाहिए तो हमें हर चीज ना, हमें सभी कुछ चाहिए लाइफ अच्छे से जीने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो एक चीज पूरी होगी हमें दूसरी की याद आने लग जाएगी, अब वो नहीं है। तो हम सारी ही चीजों पर एक साथ काम क्यों नहीं कर लेते हैं? सबसे पहले आपकी लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन सभी के लिए अपने इंटेंशंस क्लियर कर लो कि आपको हर उस एक एक एरिया में लाइफ से क्या चाहिए। इसको बोलते हैं प्लानिंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को प्लान करना। इस पर हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। अच्छा, ये भी आपको रोज नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है, सो जस्ट डू इट वंस। नंबर टू, हमने बात करी थी आई एम लकी वाले बिलीफ पर, और बहुत डेप्थ में बात करी थी। आपने उस वीडियो को बहुत पसंद करा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो वो अपने आप में कितना नेक्स्ट लेवल का बिलीफ है ना, कि वो सारे एरियाज में आपको अच्छे रिजल्ट लाके देगा, सभी एरियाज में, किसी भी अलग एरिया पे काम नहीं करना पड़ेगा। तो वो दूसरी चीज करनी है कि हमें सुबह तो अपने इंटेंशंस क्लियर कर लेने हैं सिर्फ एक बार। दिन भर में हमें, अभी हमारे 41 डेज हुए नहीं है, आई एम लकी वाला बिलीफ अभी कंटिन्यू होगा आप लोगों का। जितना हो पा रहा है यथा सामर्थ्य, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आप उसको अफर्म करो, चैंट करो। ये हुई दूसरी बात। नंबर थ्री, रात में सोने से पहले हमने जो 24 घंटे में सब होगा, तो रात में सोने से पहले आपको उस टेक्निक को सिर्फ एक बार करना है, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर जिसको आप ठीक करना चाहते हो, ठीक है, जिसमें आपको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी बात। तो सबसे फर्स्ट चीज जो हमने करी, हमने लाइफ के सारे एरियाज के लिए सीड प्लांट कर दिया, सबकॉन्शियस में और कॉन्शियस में दोनों में, कि हमें किसमें क्या चाहिए। फिर हमने आई एम लकी वाला बिलीफ को अपना स्ट्रॉन्ग करा उन सारे चीजों पर काम करने के लिए। फिर हमने इस, मतलब हमने जनरल चीजों पर भी काम करा, लाइफ की जनरल प्रॉब्लम्स की, लाइफ की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, प्लस हमने स्पेसिफिक पर भी काम करा कि कैसे हमें लाइफ की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ठीक करनी है। दिस इज द बेस्ट सिंपल इजी वे। इसके अलावा आपको कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों तक आप सिर्फ यही वाला रूटीन फॉलो करो। अच्छा, फिर भी अगर आपको कहीं मेरी जरूरत है तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब वो अफर्मेशन वाली बात थी कि 24 घंटे में रात में सोने से पहले जो अफर्मेशन आपको बोलना है उसमें आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर शोइंग मी कि मेरा ये स्पेसिफिक चीज रिजॉल्व हो गई। तो जिनका पेमेंट नहीं आ रहा था उन्होंने इसको यूज करा, थैंक यू सो मच डिवाइन मुझे ये शो करने के लिए कि मेरा पेमेंट आ चुका है। थैंक यू सो मच डिवाइन मुझे ये शो करने के लिए कि मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया है। थैंक यू सो मच डिवाइन मुझे ये शो करने के लिए कि मेरे पापा की तबीयत ठीक हो गई है। आपको इस तरह से इसको यूज करना है। अब क्वेश्चन आ रहे थे, मैम हम मराठी में बोल सकते हैं क्या, बंगाली में बोल सकते हैं क्या? ऑफकोर्स येस, आपकी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, आपको ये अफर्मेशन या कोई भी टेक्निक सिर्फ उसी लैंग्वेज में करनी है। तो इतना लोड मत लो, लाइफ इज रियली इजी। आप सिर्फ अगले कुछ दिनों तक, एटलीस्ट 40 डेज तक, आप सिर्फ यही वाला रूटीन फॉलो करो और कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको इस तरह के रूटीन वाले वीडियोस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि मैम इससे हमें ज्यादा क्लैरिटी और हेल्प मिलती है, तो और आप चाहते हो मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाऊं बिल्कुल क्लियरली रूटीन देकर, तो आप कॉमेंट कर सकते हो रूटीन, ताकि मैं आपको ज्यादा डेप्थ में क्लियर वीडियोस दूंगी। और हाँ, अगले 41 डेज तक आपको सिर्फ यही वाला रूटीन फॉलो करना है और कुछ नया ट्राई मत करना। एक एक चीज को अंदर डीपली प्लान सिंक होने दो पहले। एंड आई विल सी यू सून, टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते।